राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है वीरवार और इस टाइम पे हमारा सुबह का सारा काम हो चुका है और टाइम है लगभग ये 11 साढ़े 11 के आसपास का, कुछ ऐसा ही टाइम है। सही टाइम का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा था व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही। तो जो मूली है वो उबलने के लिए रख दी थी पहले ही, मूली उबल चुकी हैं और अब मैं बस अभी इन्हें कूट लूँगी। गैस पे मैंने जो कुकर है वो चढ़ा दिया है क्योंकि मैं बनाऊंगी जो मूली की भुजी और जो खाना है वो बना दूंगी, मतलब रोटियां सेक दूंगी और जो भुजी है वो बना दूंगी। ज्योति लग गई थी कपड़े धोने के लिए, तो बहुत सारे जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना वो धोने थे, मतलब दरी होती हैं और ये जैसे चद्दर वगैरह खेस वगैरह ये, तो ज्योति कपड़े धोने का काम निपटा देगी और मैं अपना जो सब्जी रोटी है वो बना लूंगी। और आज सुबह सुबह बड़ा सरप्राइज मिला हमें क्योंकि हम सोए हुए थे, 6 का टाइम होगा, मेरे मतलब फ़ोन आया। तो एक बार तो होता है ना, हम नींदों में होते हैं तो हम उठा भी नहीं पाते हैं, हमें पता चल जाता है भी फ़ोन आ रहा है। तो फिर दूसरी बार आया तब मैंने देखा और फिर मुझे देखते ये हुआ कि इतनी जल्दी सुबह सुबह फ़ोन, और भाई ऐसा क्या हो गया? तो फिर मैंने उठाया तो बोली सीमा हम ना आ रहे हैं घर पे। मैंने कहा इतनी जल्दी सुबह में, अभी तो हम उठे भी नहीं हैं और हमारा ना सारा घर बिखरा पड़ा है। बोली कोई बात नहीं, घर तो मैंने वीडियो में भी देख लिया है, वो तो पता ही हमें भी बिखरा पड़ा है, बट मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर मेरे को मिलने का मौका नहीं मिलेगा, मेरा मिलने का मन है तो मैं मिलने आऊँगी। मैंने कहा चल ठीक है आ जाना। तो अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगा मिल करके, लेकिन बस वही था, अगर दिन में आते अच्छे से बैठते मिलते बोलते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि सुबह सुबह में हम भी इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, मतलब एकदम से कोई आ जाए हमें पता ना हो और फिर सुबह सुबह घर की हालत भी और हमारी खुद की हालत भी कैसी होती है वो भी आप लोग समझ सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, और मेरे से मिलने के लिए आई थी किरण, मनदीप किरण बैनीवाल की जो आईडी है वो है उनकी, और उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, मतलब अभी उन्होंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और हालांकि ये चीज़ मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बोला था, ना हमने कोई क्लिप निकाली, ना मैंने निकाली, ना किरण ने निकाली, बस उसका मिलने का मन था, वो आ गई थी, लेकिन बात चल गई है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। वो भी व्लॉग बनाते हैं, उनका भी चैनल है मनदीप किरण बैनीवाल के नाम से, तो आप ज़रूर जा करके देखिए, बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग बनाते हैं और बहुत प्यारी है खुद भी, तो ज़रूर प्यार देना उस बहन को भी अपना। और मेरे साथ शुरू दिन से ये, मतलब रंगीला हरियाणा चैनल से मेरे साथ जुड़ी हुई है और अब तक है, हर रोज़ डेढ़, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा मेरे हिसाब से जिस वीडियो पे किरण का कमेंट नहीं होगा। टॉप कमेंटर का भी उसका वो आया था, मैंने उसके पास स्क्रीनशॉट भी भेजा था। राम राम जी, तो 3 बज चुके हैं इस टाइम पे और हम तैयार हो लिए हैं, काफ़ी टाइम हो गया तैयार हुए, तो अब जाएंगे हम नरवाना, मतलब कुछ जो सामान है वो ले करके आना है और जो कपड़े हैं वो देख करके आएंगे, मतलब जो भी आज होगा जितना होगा आज करेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है? तो 2 दिन तो सारी जो चीज़ें हैं उनमें लगे जाएंगे। और आज जो कपड़े धोने का काम, मतलब जो मोटे मोटे कपड़े थे दरी वगैरह वो सारे धो दिए हैं, और कल अब फिर जाएंगे और साथ में जो कमरा है उस पर मतलब पेंट का जो काम है वो हो जाएगा, लगे हुए हैं पेंट करने वाले, तो फिर वहाँ पे जो अपना सामान है वो सेट करके और फिर हम भी चलेंगे, मतलब जिस दिन काम ही हो जाएगा, भाई हाँ आज काम हो गया है काबू का, तो उसी दिन निकल जाएंगे यहाँ से। राम राम जी, तो आज दिन है शुक्रवार और मैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ क्योंकि हम वहाँ पे गए, मतलब कि नरवाना गए थे हमने, को सूट देखे, सूट देखते टाइम पता ही है सूट देख लो या फिर जो क्लिप है वो निकाल लो, तो कल तो मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई वहाँ पे। और फिर मेरे जो मामा जी हैं वो आ गए थे मिलने के लिए, मास्टर जी आए थे साथ में और मेरे मामा आए थे, तो फिर मैं नहीं क्लिप निकाल पाई, बस बैठे रहे बातचीत करते रहे, फिर लेट हो गए थे, काफ़ी अंधेरा हो गया था,
तो फिर घर पे आने के बाद बस भी खाना पीना और फिर हम बैठे रहे, आपस में बातें करते रहे। और अभी सुबह में उठ करके सेकंड टाइम की जो चाय है वो ली है मैंने, और इसके साथ मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ अपना जो व्लॉग है वो भी शुरू कर लेते हैं। और अब देखूंगी क्या करूंगी, क्योंकि व्लॉग भी बहुत थोड़ा सा ही बनाया है, अब उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग करूंगी जितने भी मिनट का बना है, और फिर उसके बाद कुछ अपना बाकी काम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज फिर जाना है हमें नरवाना, क्योंकि जो हमारा मतलब कपड़े का काम है, सूट लेने थे, वो सारा निमट गया है। जो भी मतलब शादी में आएंगे उनके भी, और जो बहू के भी देने होते हैं वो भी, और मेरे भी मैंने दो सूट ले लिए हैं, दो ही लिए हैं मैंने अभी। एक मतलब यहाँ घर के नाम का ले लिया है, और एक जो मामा और की साइड होती है मतलब बाती लेकर के आते हैं वो ले लिया है। तो घर पे जाऊंगी ना अब, तब सिलने के लिए डाल दूंगी वहां पे। और एक मैंने मास्टर जी को बोल दिया था कि वहीं से मतलब बता दिया था ये सूट निकाल करके दे आना, तो चल जाएगा मेरा काम। बाकी देख लूंगी अगर कहीं पे कुछ और पसंद आ गया तो वो भी ले सकती हूँ, और फिर बच्चों का देखेंगे वहीं पे जा करके। तो वहां पे भी हम बिजी हैं, क्योंकि 15 तारीख में हमें जो खाटू श्याम बाबा है ना वहां पे जाना है, पैदल यात्रा है वहां पे। तो मन तो बहुत है वहां पे जाने का, और कोशिश रहेगी जहां तक मैं जा सकूंगी मतलब जाऊंगी। और फिर हमारे भी वहां पे मतलब बांधने बुनने हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो उसमें बिजी हो जाऊंगी। उसी बीच में मैंने 3 दिन के अंदर अंदर 16, 17, 18, 3 दिन में मैंने अपनी जो शॉपिंग है, जो सामान लेना है, जो सारी तैयारी है, प्रेस करनी और सारे काम वो भी निपटाने हैं। 19-20 में फिर हमारे वहां पे शादी है, तो फिर देखेंगे कब आऊंगी, जब मन करेगा आ जाएंगे। और बाद में उतने भी जाना है, देखेंगे कौन जाएगा। मौसी जाएगी, मौसी के साथ में कोई भी एक चली जाएगी जिसका भी मन होगा उनमें से। ठीक है, तो बस यही सारी बातें थी। आज जो भी छोटा मोटा सामान है मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं छोटी छोटी शादी में, तो वो सारी जो शॉपिंग करनी है, और जो ज्वेलरी है वो बनने के लिए देनी है, तो बस यही काम है आज। कपड़े का हमारा हो गया, मेन कपड़े का ही था, और कपड़ा हमने अपनी मौसी की दुकान है मेरी की, तो वहीं से लिया है। मतलब ऐसे घूमना फिरना नहीं पड़ा, ज़्यादा देखना नहीं पड़ा, बस हमने अपना पीस सिलेक्ट कर दिए सबके एक से। और जो मतलब बहू है उसके भी अपना सिलेक्ट करके रख दिए कि भाई हाँ ये दे देना, तो बस वही जो सारा काम है वो किया। और कल हम गए भी लेट थे, लगभग 4 का ही टाइम हो गया था जब शायद हम यहाँ घर से चले, हाँ हो गया था 4 का। तो फिर उसके बाद गए बैठे और फिर सूट देखे, तो फिर मैं अपने मामा के पास बैठ गई थी। मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो रहा था कि मुझे इस टाइम पे वहाँ पे होना था, बट कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और सारी चीज़ें साथ ही चलती हैं। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं। और इस टाइम पे 11:30 हो चुके हैं, खाना पीना हम सबका हो चुका है, तो बच्चे खेल रहे थे पीछे प्लाट में सारे, और मैं भी आ गई हूँ कि चलो थोड़ी देर घूमते फिरते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद मन करता है ये थोड़ा सा टहलने का। और बस अब यहाँ पे सब्जियाँ देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर घर के पास में ही प्लाट में सब्जियाँ लगी हों तो, बट हमारे तो जगह ही नहीं है, कहाँ पे लगाएं।
तो बस दूसरों की देख करके खुश हो लेते हैं और जैके चल रहे हैं सारे अपनी मामी के साथ। ये इतना खुश होता है इसके साथ ही सारे करके और हंसता है, और फिर बाद में हमें आकर के बताएगा घर पे कि ऐसे ऐसे, मतलब इशारे कर करके बताता है सारी चीज़ें। तो ये मौसी के लड़के की बहू है जो मुखबादिन है, और दिखा दिया मैंने आज भाभी को भी, ये हमारी बड़ी भाभी है, अब तक नहीं दिखाया था व्लॉग में। और बस अब यहाँ पे थोड़ी देर टहलेंगे और फिर जा करके मैं अपना जो एडिटिंग का काम है थोड़ा बहुत वो करूँगी, उसके बाद आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे, और उसके बाद फिर जाना है हमें नरवाना, मतलब जो कुछ काम बचे हुए हैं वो निपटा करके आने हैं। लो किसका मौसी? अरे मूली है, गाजर, पालक, आजा बेटा ये बना लियो, आजा। सारे नंगे बैठ रहे हो, पैर अड़क अवे भी है कंधे करो। तो यही था आज का छोटू सा व्लॉग, बस बनते ही नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन कोशिश करूंगी अगला जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा बनाऊं आप लोगों के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और ये देखना इतना खुश होता है इसके साथ बात करके। और चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।